हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माथा क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 का बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका पहला पार्ट है, ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही आपका यहाँ देखेगा जो क्वेश्चन है डिजिट आपका कुछ चेंज रहेगा, जो एंगल्स का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहले क्या दिया है, सॉल्व है, प्रूफ करना है आपको। 1048 डिग्री इंटू 1023, 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। इसमें आपका हो सकता है कि एंगल दूसरा रहे और कहीं भी रह सकता है कि 1045 भी रह सकता है, तो आपका वैल्यू याद रखिएगा। या 1060 ऐड करके इसमें 5-6 टर्म दे सकता है आपको। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1048 डिग्री इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले कोशिश कीजिए अरेंज कर लेने का कि जो जो एंगल आपका है 90 डिग्री हो रहा है, जैसे 48 के साथ 1042 को हम लिख दिए, ये दोनों मिला के 90 हो रहा है, ठीक है। और ये 1023 डिग्री इसके साथ आप 1067 लिख लीजिएगा, मिला के 90। अब देखिए ये दोनों मिला के 90 है, ठीक है, 48 और 42, तो इसी एक को हम चेंज करेंगे। ये 23 और 67 मिला के 9 है, तो एक को चेंज कीजिएगा। तो देखिए 1048 है, तो 10 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आप, 90 माइनस 42 लिख दीजिए, ठीक है। और ये 1042 रहने दीजिए। ये 1023 को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो 90 माइनस 67 कीजिएगा तो 23 आ जाएगा। और ये 1067 को रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1090 माइनस थीटा आपका होता है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। और यहाँ हो गया 10, तो ये 42 रहेगा यहाँ, ठीक है। और ये 1042 आ गया। 1090 माइनस थीटा कॉट होता है, तो यहाँ कॉट आपका 67 डिग्री हो जाएगा इंटू 1067 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला है, 10 इंटू कॉट रहता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो इसका 1 रख दीजिए। और ये कॉट इंटू 10 वहां दिए 1, तो ये क्या आ गया इसका 1 आ गया। तो ये आपका आ गया आर एच एस। तो ये हम लोग का आपका पहला पार्ट जो है प्रूव हो गया, ठीक है। अब आइए, तो इस टाइप का जब रहेगा पहला स्टेप याद रखे, पेयर बना लीजिएगा जिसका जिसका 90 होता है मिला के उसको, और दोनों में से किसी एक को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और ये इंटू होकर 1 होता है, फॉर्मूला रख देना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा का है आपका सेकेंड पार्ट, उसका सोल्यूशन कैसे दीजिएगा, ठीक है, बता रहे हैं। तो देखिए दूसरा पार्ट में क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस साइन 38, साइन 52 इक्वल टू 0 है। तो देखिए इसमें माइनस आपका करके 0 लाना है, और यहाँ भी देखिए दोनों cos है, यहाँ दोनों साइन है, तो माइनस साइन के पहले का किसी एक को, पहले का दोनों या माइनस साइन के बाद का दोनों को ऐसा क्वेश्चन में आप चेंज कर दीजिएगा दोनों को, ठीक है। और यहाँ भी देखिए आपका दोनों मिला के जो है 90 होता है, तो हम माइनस साइन पहले देखिए, ठीक है, ये एल एच एस हम लोग उतार लेते हैं आपका जो है cos 38 cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसका पहले चेंज कर देते हैं हम लोग, तो ये cos 38 है, तो इसको आप 90 माइनस 52 आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये cos 52 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन के बाद का किसी को चेंज इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में नहीं कीजिएगा, हो गया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, यहां पर क्या हो गया आपका साइन 52 हो जाएगा।
और यहाँ पर आपका cos 90 माइनस 38 है, तो इसका आपका आ जाएगा sin 38 माइनस, जो माइनस के बाद जो था उसको आप ऐसे सेम उतार दीजिए, ठीक है, और ये sin 52 हो गया। आप देखिए माइनस साइन के पहले और बाद दोनों में सेम हो गया, तो ये माइनस होके आपका जीरो हो जाएगा, तो ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, RHS सेम आ गया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।